भैया ये आम कैसे दिए? मैडम जी कौन सा आम दूं बताइए, या कोई भी चलेगा? कोई भी चलेगा भैया, आजकल तो तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई भी चलेगा दे दो इन्हें, लेकिन मुझे यही देना हाफ उस, मुझे तो यही चलेगा। लेकिन भैया आप मुझे ये देसी आम ही देना सफेदा, क्योंकि मैं वैसी नहीं हूँ जो अपना टेस्ट रोज रोज बदलती फिरे। और वैसे भी जो मजा देसी आमों में है वो कहाँ टैटू वाले टशनी आमों में है ना। और वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, लोग अपने गिरेबान में तो झांकते नहीं है लेकिन दूसरों पे उंगलियां उठाने में एक सेकंड नहीं लगाते। ये बहुत बढ़िया है भैया, चलो पेड़ के नीचे चाय समोसे खाएं, सड़े से रैप पे किशोर कुमार के गाने गाएं, उनको भला टशनी टैटू वाले आमों से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। भैया आपने वो कहावत सुनी है, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, बाय गॉड जिसने भी ये कहावत लिखी है ना बहुत सही लिखी है। भैया वैसे कहावत तो वो भी बहुत अच्छी है, वो क्या बोलते हैं वो चेप होने को, हाँ गले पड़ना, बड़ी अच्छी कहावत है लेकिन लोगों के पल्ले नहीं पड़ती है। एक मिनट, कौन गले पड़ रहा है कौन चेप हो रहा है? तुम? मैं? हाँ। अच्छा इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ फ्रूट लेने आ गए? एक्सक्यूज मी, मैं ना यहीं से फ्रूट और वेजिटेबल्स लेता हूँ और मैं यहाँ पहले से था, तुम आई हो पीछे। हाँ हाँ वेलिया वेलिया मैं मार रहा हूँ, तुम मार रही हो? हाँ हाँ तुम तो जैसे कि यहाँ पे बड़ा ज्ञान बांट रहे हो, चली लाई यहाँ से। हाँ ले जाओ उसने, इसे फालतू में बहुत दिमाग खा लिया इसने। मुझे सड़ी हुई चीजें खाने का कोई शौक नहीं। अच्छा मैनू बख्शो जी, तुसी जाओ तो मैं आपका काम करांगे, तुहानू वेखा। तू चल रही है या मैं? मैंने कहा ना चल यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है इसके मुंह लगने की। एग्जैक्टली, अब नए दोस्त जो बन गए हैं। क्या मतलब? मेरा जो मतलब है ना अच्छे से जानती हो, तुम्हारे नए दोस्त जो पूरा कॉफी शॉप कॉलेज के अंदर ले आते हैं। हाँ जाओ जाओ उन्हीं के पास जाओ ना। तो वैसे भी डूबते सूरज को कौन सलाम करता है। ये दौरे तुम्हें नेचुरली पड़ते हैं या फिर इसके लिए तुमने कोई स्पेशल कोर्स को सर रखा है? हाँ और नहीं, तुम्हें किसने कहा डूबता सूरज? नहीं मैंने कहा था तुम्हें जाओ कार रेस लगाओ, मेरी वजह से तुम्हारी आवाज गई। नहीं ना तो फिर मुझे क्यों ब्लेम करते हो हमेशा, बोलो। देखा जब कोई जवाब नहीं मिला तो मुंह घुमा के चला गया, तो ही बताओ हुस्ना मैंने क्या किया, मैंने कुछ गलत किया? और पता नहीं बीच में लड़की कहां से आ गई। तुझे जलन हो रही है ना उस बंदी से? हाँ हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तेरे मुंह पे साफ साफ दिख रहा है। हो सकता है ऐसी जलन जहान को ही हो जॉर्डन को तेरे साथ देख के। मतलब शायद उसके दिल में तेरे लिए प्यार। कद्दू प्यार है, कोई प्यार व्यार नहीं करता मुझसे।